नोएडा अथॉरिटी लगातार नोएडा के विकास के लिए काम कर रही है। अथॉरिटी ने नोएडा में विकास को गति देने के लिए 43 करोड़ के टेंडर जारी किया है। इससे सालों से अटके पड़े विकास कार्यों में तेजी आएगी। दरअसल योगी सरकार ने विकास कार्यों के लिए अथॉरिटी को सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी हरकत में आई है। विकास की सड़क पर सरपट दौड़ती ग्रेटर नोएडा की गाड़ी ऊबड़ खाबड़ और खराब रास्तों के चलते स्पीड नहीं पकड़ पा रही थी, लेकिन अब इसके लिए रफ्तार पकड़ने की बात कही जा रही है। दरअसल सीएम योगी के निर्देश के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया गया है, जिसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर आने वाले गाँव और सेक्टर की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। दरअसल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर आने वाले ज्यादातर गाँव और सेक्टरों की सड़क बहुत खराब थी। इसकी रिपेयरिंग का काम अटका हुआ था, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती थी, जिसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी थी। लेकिन अब लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी सरकार और नोएडा अथॉरिटी ने जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। अथॉरिटी ने नोएडा के गांवों और सेक्टरों के अंदर टूटी सड़कें, टूटी नालियां और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कमर कस ली है। यह विकास कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। काम को गति देने के लिए 43 करोड़ रुपए के टेंडर भी जारी किए गए हैं। एक महीने के अंदर टेंडर प्रक्रिया का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद विकास की गाड़ी को सरपट दौड़ाया जाएगा। अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर हिमांशु वर्मा ने बताया कि जिन 30 कार्यों के टेंडर निकाले गए हैं, उसमें लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 10 और 12 की 24 मीटर रोड की री सरफेसिंग का कार्य 1.42 करोड़ की लागत से लखनावली में सीसी रोड और नाली का काम किया जाएगा। कहने में गुर्रेज नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वे नोएडा को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ के विकास को रफ्तार देने का वो भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खबर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।